सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने लगभग 5:30 पे। और गाइज, अभी जस्ट मैं कल शाम को पूना से वापस आया हूँ। पूना में बहुत काम थे इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया वहाँ पे। सो अभी मुझे जाना है परभनी के लिए, और परभनी में जाने के लिए मेरे साथ है आज माधव। माधव भाई हाइक कर दो। Hi. तो इनका नाम माधव है, ये आज हमारे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और उनके हाथ में हेलमेट है, अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये है यूनिवर्सिटी का कैंपस। और माधव भाई और मैं जाने वाला हूँ आज परभनी के लिए। परभनी इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे है आज दही हंडी महोत्सव, और उसमें आने वाली है गौतम पाटिल। क्यों भाई? यस, गौतम पाटिल को देखने के लिए हम जा रहे हैं और उनके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने के लिए जाने वाले हैं। सो अपनी बाइक रेडी है, माधव भाई भी रेडी है, राइड करते हुए हम जाएंगे सीधा परभनी के लिए। सो गाइस, फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं, लगभग पहले ही लेट हो चुके हैं। क्यों लेट हो चुके हैं ना? क्योंकि माधव भाई ने है ना 15 मिनट लेट कर दिया वहाँ पे। 15 मिनट किस लिए लेट कर दिया उन्हें पता है, बट 15 मिनट इनकी वजह से लेट हो गया हूँ। सो 15 मिनट कवर कर लेंगे रास्ते में। सो लेट्स सी, राइड यहाँ से चालू करते हैं। सो गाइस, अभी लगभग हम निकल चुके हैं 5 मिनट में, और माधव मेरे पीछे बैठा हुआ है, वो मिरर में देख रहा होगा। यहाँ पे देखो, पीछे बैठा हुआ है। और अभी जाएंगे सीधा परभनी के लिए, राइड करेंगे। ज़्यादा तो राइड का ब्लॉग नहीं आएगा आज, गौतम पाटिल से मिलने के लिए जाएंगे। मिलना तो नहीं होगा वहाँ पे, बट देखेंगे उनको पास से ज़रा सा, और उनके डांस पे ठुमके लगाते हुए इंजॉय करेंगे। क्यों माधव? इंजॉय करेंगे ना वहाँ पे? हाँ चलो, तो गौतम पाटिल के प्रोग्राम में आज फुल इंजॉय होने वाला है। सो अपने हॉस्टल से अभी जस्ट हम निकल चुके हैं विष्णुपुरी, विष्णुपुरी से होते हुए पूर्णा, पूर्णा से परभनी। लगभग मेरे ख्याल से 6:30 हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अभी पेट्रोल कहीं पर भरवाएंगे, उसके बाद चलेंगे सीधा। सो भाई, पूना के बाद आने के बाद पहले है ना राइड काफ़ी दिनों से बंद ही थी, तो आज लगभग 15 दिन के बाद अपनी राइड चालू हुई। सो अभी आ चुके हैं हम सिविल हॉस्पिटल में। सो गाइज, अभी लग चुके हैं अभी ने नालेश्वर हाईवे पे। और गाइज, हमेशा की तरह नालेश्वर हाईवे से ही पूर्णा के लिए जाना पड़ेगा, और पूर्णा से ना लगभग यहाँ से मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर के आसपास परभनी पड़ेगी। 6:30 के आसपास या 7 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। मेरे ख्याल से टाइम पे अगर पहुँच जाएंगे ना, लगभग 6:30-7 बजे वहाँ पे प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली हम लग चुके हैं 161 हाईवे, नेशनल हाईवे 161 एफ पे, और जो कि पूर्णा के लिए जाने वाला रास्ता है ना, उसी रास्ते पे। और ये भाई, यहाँ पे ही अपनी बाइक क्रैश हो गई थी। और भाई फाइनली माधव को लेकर मैं निकल चुका हूँ 161 एफ नेशनल हाईवे, जो कि जाता है ताड़कलस शिंगनापुर के लिए। और अब है ना पूर्णा तक सीधा इसी हाईवे से राइड करेंगे, और जल्दी से फटाफट से रास्ता कवर कर लेंगे। अभी मीटर काटा तो बंद है, माधव मेरे पीछे बैठा हुआ है, ये देखो मिरर में। और माधव तो कुछ भी बात नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। और भाई, गौतम पाटिल के दही हंडी के प्रोग्राम में जा रहे हैं परभनी, दही हंडी 2023। और 2023 में परभनी परभनी में आज गौतम पाटिल आने वाली है, और उसी के प्रोग्राम के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड था मैं। और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा ही मेरे में कि मैं अभी लगभग 5:30 वहाँ से निकला था, और अभी हो रहे हैं 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। कितना हो रहा है मैं देख लेता हूँ, वाह, 6 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है भाई। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं पूर्णा रिवर पे, और लगभग यहाँ से है ना 40 किलोमीटर के आसपास परभनी रह चुके हैं और माधव भैया, और हम अभी जस्ट पूर्णा रिवर पे पहुँच चुके हैं। लगभग अभी यहाँ से है ना 40-50 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। और ये देखो भाई, क्या व्यू है यार, है ना? Yes. सनलाइट हो रखा है, और सनलाइट है ना एकदम बढ़िया व्यू है। और ये देख लो पूर्णा रिवर, क्या रिवर है। और यहाँ से गांव अपना है ना लगभग 5-6 किलोमीटर के आसपास है। और ये देखो माधव भैया, ऐसा व्यू आ रहा है। माधव भैया का है ना लुक अलग है आज का, आज उनका मूड कुछ अलग है। गौतम पाटिल को देखने के लिए जा रहा है तो एक्साइटेड है काफ़ी। और ये देख लो भाई, पूर्णा अपनी पूर्णा सिटी, और हम अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लगभग एक ब्रेक ले लिया है 15 मिनट का, तो अभी देख लो। ये देखो भाई, भैंसे चरा रहे हैं, शाम भी हो चुके हैं तो भैंसे चरा रहे हैं, और वहाँ पे मच्छियाँ पकड़ रही है। तो पूर्णा रिवर को थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा तो नहीं है। सो गाइस, यहाँ से है ना अभी फटाफट से निकल जाता है अपने परभनी के लिए। सो गाइस, फटाफट से वहाँ से फोटो वीटो क्लिक कर लिया, और अभी निकल चुके हैं पूर्णा रिवर से। और वो देखो भाई, सनलाइट हो रखा है, क्या मस्त व्यू आ रहा है यार। सनलाइट हो चुका है, मस्त ऐसी
अभी रोशनी ख़त्म हो चुकी है और दिन ख़त्म, शाम का टाइम चालू। सो गाइस फाइनली शाम के बज चुके अभी 7:07 हम पहुंच चुके हैं परवनी में। यह है वसमत रोड परवनी का। और गाइस अभी मुझे लगता है मैं 10-15 मिनट लेट हो चुका हूं। मुझे 7 से पहले वहां पे जाना था स्टेडियम में, जो कि दही हंडी का आज का जो लोकेशन है ना, परवनी का स्टेडियम है और स्टेडियम में आज की दही हंडी है। तो भाई यहाँ पर लग चुकी है ट्रैफिक थोड़ी सी, पता नहीं यार क्या हुआ है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है, ट्रॉपिक तो है तगड़ी। और भाई फटाफट से है ना इस ट्रॉपिक से निकल लेते हैं और चलते हैं अपने लोकेशन पे, जो कि दही हंडी का लोकेशन है वहाँ पे। चलो सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अभी परमनी में, और जहाँ पे गौतम पटेल की दही हंडी का महोत्सव है और वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और माधव और मैं पहली बार यहाँ पे आ चुके हैं। माधव हमारे परमनी में, परमनी के दही हंडी महोत्सव में पहली बार आए ना। सो देख लो भाई, गौतम पटेल का दही हंडी का बैनर। और भाई स्टेडियम में है ना, अब भी जाएंगे, एंट्री होने वाली है स्टेडियम में। ये हेलमेट भी साथ में ही ले लिया है और ये सेल्फी स्टिक भी साथ में ही ले आए। तो अभी चलते स्टेडियम में, देखते हैं उसका माहौल क्या है। और देख लो भाई भीड़ कितनी है, ये देख लो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है और भीड़। तो अभी फाइनली चलो चलते हैं स्टेडियम में। अभी हम स्टेडियम में आ चुके हैं और ये देख लो कितने लोग अंदर जा रहे हैं और पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त है। अभी अक्की को कॉल किया था, क्यों अक्की को कॉल किया था, तो अक्की अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ का परमनी का मेरा एक फ्रेंड है, वो भी ब्लॉगिंग करता है। सो भाई ये देख लो बैनर और भीड़ देख लो भाई। और एंट्री कहाँ से है मुझे भी नहीं पता, एंट्री मिलेगी या नहीं ये भी पता नहीं है। ये देख लो क्या भीड़ है। सो गाइस फाइनली अंदर आ चुका हूँ मैं और अंदर का माहौल देख लो। ये देख लो माधव और मैं अंदर आ चुके हैं स्टेडियम के, और स्टेडियम के अंदर है ना काफी भीड़ है, लगभग यहाँ 1.5-2 लाख के आसपास भीड़ होगी। क्यों माधव? हाँ तो यहाँ पे भरोसे सबकी तरफ से यहाँ पे दही हंडी हो रही है। और ये देख लो क्या भीड़ है। Thank you.
Thank you.
कार्यक्रम बघायचा आहे. आप आपल्या ठिकाणी बसून बघू शकता. जे मैदानात थांबलेले लोक आहेत कृपया घरी जा. हे या ठिकाणी बसलेले सोफ्यावर बसलेले प्रेक्षक जे आहेत त्या व्हीआयपी कक्षामध्ये अरे अरे समोर जे थांबले लोक आहेत आपापल्या घरी येणार तुम्ही आता पोलीस कर्मचारी ना तोडणार फेऱ्या चालू आहेत. चालू आहे तिसऱ्या फेरीला फोडतात. फाइनली अभी 9:50 पे यहाँ पे दही हंडी का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और मुझे निकलना है अभी नांदेड़ के लिए. तो माधव मेरे साथ ही है. अब 9:55 हो रहे हैं और गाइस अभी 9:50 पे तो दही हंडी फाइनल हो चुकी है और अभी नांदेड़ के लिए यहाँ से मुझे निकलने में बस अभी 10-15 मिनट लग सकते हैं और गाइस अपने रूम पे जाने के लिए लगभग यहाँ से 1 घंटे का टाइम लगेगा. अभी 17 किलोमीटर के आसपास हमें रन निकालना पड़ेगा और ये देख सकते हो पब्लिक कितनी है और काफ़ी सारी अंदर भी भीड़ थी. सो ये भाई लोग हमें देख रहे हैं तो इन्हें नया नया लग रहा हो. हाँ हाँ चलो. सो गाइस फटाफट से अभी अपनी बाइक निकाल लेते हैं और चलते हैं नांदेड़ के लिए अपने रूम पे. मोहिते भी गए भाई. हाँ सब्सक्राइब कर लेना. सो गाइस दही हंडी तो खत्म हो चुके हैं और निकलने का टाइम आ चुका है. अभी यहाँ से अभी निकल लेंगे नांदेड़ के लिए. आई होप यू आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा. ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. काफी भीड़ है, आवाज की दिक्कत हो रही होगी. सो गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक केयर बाय.